बिहार में कोरोना के कहर के बीच आज पटना एम्स में होगा वैक्सीन का ट्रायल। 14 दिन बाद लगेगा दूसरा डोज। पटना के एम्स में कोरोना वैक्सीन ट्रायल के लिए 10 लोगों को बुलाया गया। ट्रायल के लिए 50 लोगों ने फोन किया था, लेकिन एम्स प्रशासन ने 18 से 55 साल के 10 लोगों को बुलाया है। आज पहले इनका मेडिकल चेकअप होगा। ICMR की गाइडलाइन के अनुसार इनकी रिपोर्ट रहेगी, वैक्सीन उन्हीं को पहला डोज दिया जाएगा। गया के अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अस्पताल में मचा हड़कंप। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते 4 जुलाई को डॉक्टर सिंह का स्वैब नमूना जांच के लिए भेजा गया था। बीते शनिवार को सिंह की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें गया मेडिकल में भर्ती कराया गया। शनिवार को देर शाम आई रिपोर्ट में उन्हें पॉजिटिव पाया गया है। अभी उनकी हालात सही बताई जा रही है। डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि निजी जांच लैब में जल्द कराई जाएगी कोरोना की टेस्टिंग। आज से निगम वार्डों में शुरू होगी नगर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। घर घर होगा सैनिटाइज, बांटे जाएंगे मास्क व साबुन। शहर में कोरोना टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए निजी पैथोलैब्स में बातचीत की जा रही है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। बिहार के कई जिले में 24 घंटे में भारी बारिश व वज्रपात की दी चेतावनी। पर्यावरण के सुरक्षा जवानों की ड्यूटी का अभिन्न कार्य है, हर व्यक्ति लगाएगा एक पौधा। बोधगया में SSB के जवानों ने राजकीय कन्या मध्य विद्यालय परिसर में लगाए करीब 1000 पौधे। 10 एकड़ खाली जमीन में लगाए हजारों पौधे।